हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। कमला किचन में आपका स्वागत है एक बार फिर से नई वीडियो के साथ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं देसी टिंडसी की सब्जी। दोस्तों देसी टिंडसी की सब्जी सितंबर और अक्टूबर के महीने में खेतों में पाई जाती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमने 8-10 टिंडसी ली हैं मीडियम साइज़ की, और उसके बाद हमने ये दो टमाटर जिन्हें हमने बारीक काट लिया है, ये दो प्याज इन्हें भी काट लिया है, चार हरी मिर्ची, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, एक छोटी चम्मच मिर्ची पाउडर, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, ये नमक है स्वाद अनुसार डालेंगे, 10 से 12 कलियां लहसुन की जिन्हें मैंने बारीक पीस लिए है, एक बड़ी चम्मच सरसों का तेल, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल या जो भी कुकिंग ऑयल यूज में लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो ये टिंडसी ली है हमने, टिंडसी या टिंडे जो भी आप बोलते हैं, इनको हम काट लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, टिंडसी को जो है हमने इनसे काट लेना है बिल्कुल अच्छे से। ये देखिए जो बीज है अंदर, इन बीजों को निकाल लेंगे। ये देखिए बीज हैं, इनको निकालना है, इनको निकाल कर फेंक देना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से टिंडसी को काटना है हमें। दूसरी टिंडसी लेते हैं और इसे भी बिल्कुल इसी तरीके से प्रोसेस करना है, एक एक कर कर सभी टिंडसियों के बीज निकाल लेने हमें। ये देखिए ऐसे, ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से सभी टिंडसियों के बीज निकाल लेंगे। तो वीडियो में लगातार बने रहें। ये देखिए फ्रेंड, सभी टिंडसी के जो बीज हैं जो हमने निकाल दिए हैं, और अब इनको हम कट कर लेंगे छोटे छोटे पीसेज के अंदर। आप चाहें तो अपने हिसाब से छोटे या बड़े पीसेज के अंदर कट कर सकते हैं। तो ये देखिए हम इसको जो है छोटे छोटे पीसेज के अंदर कट कर लेंगे इस तरीके से सभी टिंडसियों को एक एक करके। मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, और लाइक करना ना भूलें। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से धीरे धीरे सभी को काट लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, सभी सभी टिंडसी को जो है हमने काट लिया है छोटे छोटे पीसेस के अंदर। तो चलिए सबसे पहले गैस को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए गैस को स्टार्ट कर लिया और गैस गर्म हो चुका है, जो कढ़ाई है वो गर्म हो चुकी है। अब इसके अंदर डालेंगे तेल। ये देखिए तेल डाल दिया हमने, तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे, थोड़ी देर में जो है तेल गर्म हो जाएगा, उसके बाद जीरा डालकर चेक करेंगे कि तेल गर्म हुआ है नहीं। अब हम तेल के अंदर जीरा डालकर चेक करेंगे तेल गर्म हुआ है नहीं। तो ये देखिए जीरा डाल दिया है और तेल जो है वो गर्म हो चुका है, इसका मतलब क्योंकि जीरा धीरे धीरे ब्राउन हो रहा है। जीरे को बिल्कुल अच्छे से ब्राउन होने दें। ये देखिए फ्रेंड्स, जीरा बिल्कुल ब्राउन हो चुका है और अब हम इसके अंदर टिंडसी डाल देंगे। ये देखिए टिंडसी को तो और बिल्कुल अच्छे से पकाना है, तेल के अंदर फ्राई करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, टिंडसी जो है धीरे धीरे फ्राई हो रही है तेल के अंदर, और चम्मच को लगातार चलाते रहेंगे जिससे कलर थोड़ा ब्राउन हो जाए। ये देखिए अब हम इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्ची और प्याज, प्याज भी डाल देंगे साथ में ताकि ये भी फ्राई हो जाए तेल के अंदर। ये देखिए, और चम्मच को 2 से 3 मिनट तक जो है ऐसे ही चलाते रहेंगे ताकि प्याज, हरी मिर्ची और टिंडसी बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाए। तो वीडियो में लगातार बने रहेंगे। अब डालेंगे इसके अंदर नमक स्वाद अनुसार और हल्दी पाउडर, और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल जो नमक और हल्दी है वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है, और हल्दी भी पक चुकी है जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर, इसको मिक्स कर देंगे टमाटर को भी बिल्कुल अच्छे से। देखिए
टमाटर भी जो है मिक्स हो चुके हैं। अब डालेंगे मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर, लहसुन का पेस्ट और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब थोड़ा सा जो है पानी डाल देंगे ताकि मसाला जो है वो नीचे ना चिपके कढ़ाई के, इसलिए थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये देखिए थोड़ा सा पानी डाला है बिल्कुल, और इसको मसाले को बिल्कुल अच्छे से पकाना है, इस बात का ध्यान रखें। ये देखिए दोस्तों मसाला बिल्कुल पक चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी, लगभग आधा लीटर पानी डाल देंगे। और ये देखिए आधा लीटर पानी हमने डाल दिया है, और अब इसको ऊपर से ढक्कन लगाकर 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे, तो इतने में जो है सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। तो वीडियो में लगातार बने रहें। ये देखिए फ्रेंड्स सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है, देसी टिंडसी की सब्जी। अब हम गैस को बंद कर देंगे और सब्जी को अलग बर्तन के अंदर निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों सब्जी को हमने अलग बर्तन में निकाल लिया है, बहुत ही स्वादिष्ट टिंडसी की सब्जी बनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।